यहाँ पर आज हम देखेंगे मेथड ओवरराइडिंग क्या होता है, उसका प्रैक्टिकली एग्जांपल देखेंगे और जो कि पॉलीमॉर्फिज्म का पार्ट है एक। ओके, तो यहाँ पर मेरे पास एक क्लास है, बाइक क्लास है और एक साइकिल क्लास है। और साइकिल क्लास क्या करता है, बाइक क्लास को एक्सटेंड करता है। ओके, मतलब कि जो मूव मेथड है बाइक क्लास में वो साइकिल के लिए भी एप्लीकेबल होगा इनहेरिटेंस के थ्रू। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या है। तो सबसे पहले एक हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेते हैं क्लास साइकिल का। ओके, साइकिल का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ मैं, ऑब्जेक्ट इक्वल टू साइकिल। साइकिल का ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने। अभी ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं कॉल करूँगा, देखो डॉट लिखूंगा मैं, तो यहाँ पर मुझे सारे मेथड एक्सेस हो रहे हैं। मूव मेथड एक्सेस हो रहा है, स्टॉप मेथड एक्सेस हो रहा है, मतलब साइकिल के जो भी मेथड है और बाइक के जो भी मेथड है वो सारे मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्योंकि ये एक्सटेंड कर रहा है बाइक को। ओके, तो यहाँ पर मैं प्रिंट करके देखता हूँ, डॉट मूव मेथड मैं कॉल करता हूँ, अभी इसको रन करता हूँ। तो देखो क्या आएगा, प्रिंट होगा। यहाँ पर मैंने साइकिल का ऑब्जेक्ट बनाया और मूव मेथड कॉल किया जो कि बाइक क्लास में था। ओके, तो ये ऑब्जेक्ट चेक करेगा कि मूव मेथड मेरा साइकिल क्लास में है क्या, तो यहाँ पर तो नहीं है मूव मेथड। तो क्या करेगा वो, अभी जिसको एक्सटेंड किया है बाइक को तो उसमें जाएगा वो और वहां पे चेक करेगा कि मूव मेथड है क्या यहाँ पर। तो है, तो यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा बाइक इज मूविंग। ओके, लेकिन अभी मुझे क्या करना है, मेथड ओवरराइडिंग देखना है ना। मेथड ओवरराइडिंग का मतलब क्या है कि सेम नाम का मेथड होना चाहिए। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि ये वाले पार्ट को मैं कॉपी करता हूँ और साइकिल पार्ट में मैं साइकिल के क्लास में इसको डिफाइन कर देता हूँ। ओके, अभी दो जगह मूव हो गया और इसमें मैं लिख देता हूँ साइकिल इज मूविंग, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। ओके, तो अभी मूव मेथड यहाँ पर भी है और मूव मेथड यहाँ पर भी है। तो अब मैं रन करके देखूंगा तो कौन सा आएगा पार्ट, देख लेते। रन किया मैंने तो क्या आया, साइकिल इज मूविंग। ओके, तो ऑब्जेक्ट क्या था, ये साइकिल क्लास का था, तो उसमें मूव मेथड जाएगा, चेक करेगा साइकिल क्लास में है क्या, तो है, तो यहाँ पर ये डायरेक्टली मूविंग, साइकिल इज मूविंग प्रिंट हो जाएगा। तो ये अपने पेरेंट क्लास में जाएगा ही नहीं। ओके, तो यहीं पर इसको मेथड मिल गया कि भाई जो कॉल करना है वो तो यहीं पर है, तो आगे जाने की मुझे जरूरत नहीं है। ओके, तो अभी कॉन्सेप्ट आता है मेथड ओवरराइडिंग का कि भाई मुझे ये वाला पार्ट भी प्रिंट करना है, ये वाला मेथड भी रन करना है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, देखो। तो अभी ये वाले पार्ट को किस तरह से एग्जीक्यूट करना है, मतलब दोनों मेथड को किस तरह से कॉल करना है। तो सबसे पहले ये कॉल हुआ ऑब्जेक्ट डॉट मूव, तो ये साइकिल में आएगा, यहाँ पर वही कॉल हुआ और अंदर जाएगा जैसे ही, तो उसमें हम लोग को लिखना पड़ेगा, कभी भी आपको पेरेंट क्लास का मेथड कॉल करना है तो उसके लिए लिखना पड़ता है सुपर, सुपर डॉट, देखो सुपर डॉट, जो भी पेरेंट क्लास का जो भी मेथड होगा यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। तो यहाँ पर मूव शो हो गया, तो यहाँ पर मैं इसको ओके कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने सेमी कॉलन डाल दिया। अब मैं रन करके देखता हूँ कि क्या प्रिंट होगा। देखो रन किए तो क्या हुआ, बाइक इज मूविंग एंड साइकिल इज मूविंग। देखो अभी क्या हुआ यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट डॉट मूव कॉल किए तो ये साइकिल पार्ट में आएगा और साइकिल पार्ट में जैसे ही ये अंदर जाएगा इसके, तो सुपर डॉट मूव है, जो भी पेरेंट क्लास का मूव मेथड है उसमें चला जाएगा। यहाँ पर देखा उसने कि बाइक इज मूविंग, तो वो प्रिंट हो गया। फिर अगले लाइन में आएगा तो क्या, साइकिल इज मूविंग। ओके, तो इस तरह से आप कॉल कर सकते हो कोई भी मेथड को। ओके, तो इसको मैं ऊपर नीचे लिखूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो पहले क्या आ जाएगा, साइकिल इज मूविंग आ जाएगा, फिर बाद में सुपर डॉट मूव करूंगा तो बाइक इज मूविंग, ये उल्टा हो जाएगा। देखो करके देख लेते हैं हम लोग, ये देखो उल्टा हो गया ये। तो इस तरह से आप मेथड ओवरराइडिंग यूज कर सकते हो कहीं पर भी सुपर डॉट करके। तो ये सिर्फ मेथड के लिए नहीं है, ये प्रॉपर्टीज के लिए भी आप यूज कर सकते हो। मतलब इसमें भी अगर सेम पेरेंट क्लास में भी सेम प्रॉपर्टी है और यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टी है तो आपको एक्सेस करना है तो सुपर डॉट प्रॉपर्टी का नाम लिख दो, असाइन कर दो, हो जाएगा। तो ज़्यादातर हम लोग मेथड ही देखते हैं कि किस तरह से ओवरराइड करना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि मेथड ओवरराइडिंग किस तरह से यूज़ करना है। ओके, अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना, तो मैं बता दूंगा आपको अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।